हे गाइस, तो देखो यार, व्लॉग वगैरह बनाने आता नहीं, ये व्लॉग नहीं है, बस ऐसा। कल ये कार डिलीवरी लिया, टाटा पंच है, एकॉम्प्लिस प्लस सीएनजी, ठीक है। तो ये मॉडल है, कल ये भी डिलीवरी लिया। अभी गंदा होगा क्योंकि आज पूजा वगैरह करा के लाए ना, तो ये गंदा इग्नोर कर देना, ठीक है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी टाटा पंच लेने वाले हैं उनके लिए वो कोई रिव्यू नहीं है। हाँ, एक सेकेंड आया। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, जो भी टाटा पंच लेने वाले हैं तो रिव्यू तो नहीं है, क्योंकि यार मैं भी न्यू ड्राइवर हूँ, तो मेरे को इतना कुछ आइडिया नहीं है। मैं बस सेफ्टी ही देख कर इस कार को लिया, और ये जो पार वगैरह की बात करते हैं उससे कोई मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। और ये धूल भी इग्नोर कर देना, क्योंकि ये अभी जस्ट जिस रास्ते से आए पूजा वगैरह करा के, वो रास्ता थोड़ा कच्चा रास्ता था, ऐसे मिट्टी वाला। मेरा घर भी अभी नया बना है, इग्नोर करना, ठीक है। हाँ, तो फीडबैक ये था कि मैं ये जो देख रहे हो, ये आई मीन जो एंड्रॉयड सिस्टम है, इसमें पुराने वाले में वैसा नहीं था, पुराने वाले में छोटा वाला था, इसमें नया है। और मैं पूरा यूट्यूब छान मार गया, जितने भी ये रिव्यूअर हैं या फिर जो भी हैं, ठीक है, किसी ने भी प्रॉपरली उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। मैं कल से अभी इसको ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अभी इतना कुछ मतलब नया ही हूँ अभी, तो मेरा इसको लेके इनफोन में जो क्या बोलते हैं यार, इसके साउंड सिस्टम एंड्रॉयड सिस्टम को लेके एक डाउट था कि इसमें वीडियो वगैरह चलता है नहीं, स्पॉटिफाई चलता है या नहीं, या फिर प्रॉपरली क्या है। इसका किसी ने भी प्रॉपरली रिव्यू नहीं दिया, ठीक है। तो मैं बहुत डाउट में था, पीछे भी ऐसी था। यही दो चीज़ मेरे को टाटा पंच जो पुराना वाला वर्जन था 2023 वाला, उसमें यही मेरे को कमी लगता था, ठीक है, इन्हीं दोनों का। ये एसी पीछे नहीं था, रियर एसी वेंट नहीं था, और ये डिस्प्ले। अभी डिस्प्ले तो मिल गया अपन को, ठीक है, तो अच्छी बात है कि डिस्प्ले मिल गया है। और वीडियो के बारे में कि वीडियो इसमें चलता है कि नहीं, जितने लोगों को नहीं अड़े, तो इसमें पहले तो देखो ये FM चल रहा है, ठीक है। ये अभी एंड्रॉयड कनेक्टेड हो कनेक्ट हो रहा है, एंड्रॉयड मतलब एंड्रॉयड ऑटो जो होता है वो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से तो साउंड सिस्टम यार बहुत बढ़िया है इसका, ठीक है। तो ये देखो, तो मैप है, ये मेरा स्पॉटिफाई चल रहा है, ठीक है, स्पॉटिफाई कनेक्ट कर सकते हैं प्रॉपरली। और ये मेरा प्लेलिस्ट है सारा, ठीक है, सौरभ चौहान या फिर जो भी है। तो अपना सीरियसली बताओ तो गाड़ी गाड़ी इसी के, ये म्यूजिक सिस्टम की वजह से ही टाटा पंच पसंद किया मैं। और यहाँ पे देखो 45 वाट का चार्ज दिया हुआ, ठीक है। मेरा सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra है, तो आई थिंक फास्ट ही चार्ज करेगा ये। और ये दूसरा USB है। तो मेरे मेरा डाउट ये था कि मैं केबल जो मंगाऊँ कौन सा मंगाऊँ, क्योंकि इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है CNG वाले वेरिएंट में, किसी में भी नहीं है वायरलेस चार्जिंग, उसमें है पेट्रोल और डीजल में। तो मेरा ये था कि मैं 45 वाट वाला मंगाऊँ, इसके लिए टाइप सी लगेगा, इसमें फास्ट चार्जिंग के लिए टाइप सी वाला मंगाना पड़ेगा, इसमें USB वाले से चार्ज नहीं होगा। मैंने चार्ज करके लगा के देखा, USB वाला USB2 Type-C चार्ज नहीं हो रहा था, तो मेरे को टाइप सी वाला जो है USB Type-C केबल चाहिए, इससे 45 वाट का चार्जिंग करेगा ये फ़ोन, ठीक है, और वायरलेस चार्जिंग नहीं है। दूसरा एक मेरा ये डाउट था कि इसमें वीडियो चलेगा कि नहीं, इतना बड़ा डिस्प्ले तो दे दिया इसमें अपडेटेड पंच में, तो इसमें वीडियो ये वगैरह या फिर कोई मूवी वगैरह, फॉर एग्जाम्पल देखो जाहिर से बात है चलते टाइम तो कोई वीडियो नहीं चलाता है, चलाने वाले चलाते हैं, पर मैं नहीं चलाने वाला हूँ क्योंकि सेफ्टी फॉर सेफ्टी रीजन है। लेकिन फिर भी अगर कहीं गाड़ी पार्क कर दिया, कहीं पे बोर हो रहा हूँ, तो वीडियो चलाने के लिए कोई सिस्टम है या नहीं इसमें? तो गाइस इसमें सिस्टम है, लेट मी शो यू। हाँ, तो अपन अगर इधर आए, अगर मान लो कि ये होम पे गए और टाटा मोटर्स कर इधर आए और स्क्रॉल किए, तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो प्लेयर लिखा हुआ है। लेकिन इसके लिए क्या है ना, USB नॉट कनेक्टेड वीडियो प्लेयर है जो ना पेन ड्राइव से चलेगा। तो वही टेस्ट करने के लिए, अभी मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ, बेसिकली मैं एनिमेटर हूँ, वही टेस्ट करने के लिए मैं एक वीडियो डाला इसमें पेन ड्राइव में, और ट्राई करने के लिए नीचे आया। तो सोचा एक वीडियो तुम लोग को भी बना के डाल दूँ, तो तुम लोग को नॉलेज होगा, मतलब तुम लोग भी पता चल जाएगा जो लेने वाले होंगे मेरे तरह, जो भी यंग होंगे और जिनको भी मतलब ये साउंड सिस्टम प्लस वीडियो वगैरह से मतलब होगा, तो उनको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये USB केबल है, डाल दिया। अब देखो यहाँ पे एक्टिव वो हो गया, नो प्ले में नो प्ले क्या लिखा था, प्लेबैक मीडिया, ठीक है। अब वीडियो प्लेयर पर क्लिक किया, यहाँ पे एक गाना है, फोल्डर भी बना दोगे एक गाना, तो ये गाना है देखो, इसके लिए वीडियो ये मतलब अपन वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर इसके बारे में जो कन्फ्यूज़ होगा, यूट्यूब पे कहीं पे भी वीडियो नहीं मिला मेरे को ये जब मैं लेने वाला था उसके पहले, तो अभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक सेकंड रुको, इसको ऑडियो भी बढ़ा देता हूँ, ऑडियो भी बहुत बढ़िया है, सुनो।
डिस्प्ले क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है, 1080p वीडियो डाला हूँ ये, आई मीन ये वीडियो के लिए इतना बढ़िया नहीं है। अभी मे भी हो सकता है कि प्लास्टिक अभी लगा हुआ है ना, हटाया नहीं मैंने, तो इस रीजन से ये इतना बढ़िया नहीं दिख रहा हो, लेकिन फिर भी एटलीस्ट प्ले तो हो रहा है। मतलब ये डाउट क्लियर हो गया कि इसमें प्ले कर सकते हैं वीडियो, मतलब लेकिन USB से चलेगा बस, ऑनलाइन फ़ोन के थ्रू नहीं चला सकते। फ़ोन में अगर तुम ये फ़ोन को कनेक्ट भी कर लेते हो और तब भी चलाने की कोशिश करते हो तब भी नहीं चलेगा, तो वो तुमको USB लेना पड़ेगा अलग से चलाने के लिए। बस इतना ही, थैंक यू गाइस। मे भी अगर तुम लोग को पसंद है, और टाटा पंच लवर जो भी हैं अगर पसंद है, अगर तुम लोग और भी बोलोगे, तो मैं नया ड्राइवर हूँ, मेरे को गाड़ी के बारे में ऑनेस्टली कुछ भी नहीं पता है, मैं बस पिछले 6 महीने से रिव्यू ही देख रहा था लोगों का। तो जो भी बेसिक चीज़ है, जैसे एज ए न्यू ड्राइवर अगर तुम लोग कुछ पूछना चाहो मे बी, और वीडियो देखना चाहो, तो वो मैं डाल सकता हूँ, और हाँ ऑफकोर्स वीडियो एडिट करके डाल सकता हूँ, मतलब कार का वो कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू गाइस।